दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। भूत प्रेत, आत्माएं या फिर बुरी शक्तियां शुरू से ही इंसानी दिमाग के लिए एक किंवदंती ही बनी हुई है। कभी कभी कुछ लोगों ने इन्हें महसूस किया है और अपनी राय दूसरों को दी है, लेकिन इंसानी स्वभाव या तो बहुत जल्द ही किसी बात को मान लेता है या फिर इसे सिरे से नाकार देता है। लेकिन इंसान के मानने या ना मानने से सच बदल नहीं जाता। आज हम आपको एक ऐसी टनल के बारे में बताएंगे जहां पर आत्माओं का खौफ इस कदर है कि रात में तो क्या दिन में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। इस टनल को द स्क्रीमिंग टनल के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से ही आपको आभास हो गया होगा कि ये टनल कितनी भयानक है। ये टनल कनाडा में ओंटेरियो के नाइग्रा फॉल्स के पास स्थित है। इस टनल का निर्माण ग्रैंड ट्रैक रेलवे लाइंस के ठीक नीचे किया गया था। इसका उपयोग उस इलाके में पानी के बहाव को बांस के खेतों की तरफ मोड़ने के लिए किया जाता था। इस टनल को सन 1900 में बनवाया गया था। इसके निर्माण के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही एक ऐसा हादसा हुआ जिसने आसपास के लोगों को हिला कर रख दिया, क्योंकि उस समय टनल के आसपास कुछ खास आबादी नहीं थी और उस टनल में ज्यादातर पानी भी नहीं रहता था। जब पानी बढ़ जाता तभी उस टनल का प्रयोग किया जाता था। उस समय उस टनल में कई हादसे हुए, जिनमें से एक हादसा ऐसा था जिससे आज भी ओंटेरियो शहर उबर नहीं पाया है। ये उस समय की बात है जब उस टनल में पानी नहीं था। उस समय टनल से थोड़ी दूर एक घर में बाप बेटी रहा करते थे। उस समय टनल के पास बहुत तेज हवा चल रही थी और चारों तरफ भयानक अंधेरी रात थी। इसी दौरान उस मकान में अचानक आग लग गई। उस समय वो लड़की अकेले अपने घर में मौजूद थी। हवा का रुख भी उसी तरफ था और देखते ही देखते आग ने बुरी तरह उस मकान को अपने लपटे में ले लिया। जब उस लड़की को आग का पता चला तो वह घर के पिछले हिस्से से भागने के लिए उठी, लेकिन तभी मकान का एक हिस्सा उसके ऊपर आ गिरा। लड़की किसी तरह वहां से भागी, लेकिन उसके कपड़ों में आग लग गई थी। लड़की खुद को बचाने के लिए टनल की तरफ भागी ताकि वो टनल के पानी में कूद सके, लेकिन जब तक वो टनल तक पहुंची वह बुरी तरह जल चुकी थी और जब उसने टनल में छलांग लगाई तो वह सीधे जमीन पर जा गिरी, क्योंकि टनल में उस समय पानी नहीं था। आग से बुरी तरह लिपटी हुई उस लड़की की चीख उस इलाके में गूंजने लगी। आसपास के कई लोग वहां पर आ पहुंचे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं की और आखिरकार उस जवान लड़की ने वहीं पर दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक और हादसा इस टनल में घटित हुआ था। यह हादसा भी एक युवती के साथ ही हुआ था। टनल के आसपास के लोगों का मानना है कि एक बार रात में कुछ वैशी दरिंदों ने एक लड़की के साथ इस टनल के अंदर सामूहिक बलात्कार किया था। इतना ही नहीं, अपनी काली करतूत छिपाने के लिए उन्होंने उस बेचारी लड़की के ऊपर तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया। लोगों का कहना है कि उस समय वो लड़की बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन आसपास के लोग उस पुराने हादसे से वाकिफ थे और उन्हें ये लगा कि ये शायद उस लड़की की आत्मा चीख रही है। सुबह जब लोग टनल के पास गए तो उन्होंने ये देखा कि एक लड़की का अधजला शरीर जमीन पर पड़ा था और टनल की दीवारों पर उस लड़की के चढ़ने के निशान भी मौजूद थे। तब से लेकर आज तक उस टनल के आसपास रात में गुजरने से ही लोग डरते हैं। लोगों का कहना है कि आज भी रात में कोई उधर से नहीं गुजरता और जब भी कोई गुजरता है तो टनल के अंदर से सिसकने और शरीर के जलने की बदबू आती है। ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई टनल में रोशनी करता है तो उन दोनों ही लड़कियों की आत्माएं परेशान हो जाती हैं। एक बार टनल की सफाई के लिए एक आदमी को उतारा गया था। टनल की सफाई करते करते वह थक चुका था। उसी समय जब उसने सिगरेट पीने के लिए माचिस जलाई
तो माचिस बुझ गई। उसने दोबारा कोशिश की तो तेज हवा टनल की दूसरी तरफ से चलने लगी। उसके बाद वो वहां से उठा और हवा से बचने के लिए टनल के अंदर चला गया और एक कोने में जाकर दोबारा माचिस जलाने लगा। जैसे ही उसने तीसरी बार माचिस जलाई तभी एक भयानक चीख उस टनल में गूंज उठी और उस सफाई कर्मी ने अपने ठीक ऊपर एक लड़की को देखा जो कि किसी छिपकली की तरह टनल के दीवारों से चिपकी हुई थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और वह जोर जोर से चीख रही थी। चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों ने भी उसे सुना। टनल के ऊपर काम कर रहे लोग दौड़कर टनल के अंदर झुककर देखने लगे तो उन्होंने ये देखा कि वो आदमी टनल के अंदर जमीन पर बेहोश पड़ा है और उसके हाथ में एक माचिस थी। किसी तरह उसे बाहर निकाला गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो आदमी जिंदा बच गया और उसने अपनी आप बीती लोगों को सुनाई, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। आज भी लोग उन दोनों आत्माओं को महसूस करते हैं। आज भी अगर आप टनल के बीचों बीच जाकर एक माचिस की तीली जलाते हैं तो एक भयानक चीख आप आसानी से सुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है क्योंकि ऐसा करने के दौरान आपकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।